हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया से होंगे। वेल दोस्तों, राजा और रानी की कहानियां हम सभी इतिहास में पढ़ते आए हैं, लेकिन 21वीं सदी में इनके बारे में सोचना भी बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां आज भी एक क्वीन है, और वो काफी पावरफुल भी है, क्योंकि वहां की क्वीन को हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। क्वीन के परिवार पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। उनको ऐसे ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनके बारे में आप सोचना तो दूर, इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वीन एलिजाबेथ के जीवनी और उनके जीवन में घटे घटनाओं के बारे में बताएंगे, साथ ही उनके अधिकारों के बारे में भी बताएंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप केवल इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो का पूरा मजा ले सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ। 4 वर्षों के बाद उनकी छोटी बहन राजकुमारी मार्गरेट का जन्म हुआ। उनके पिता ड्यूक ऑफ यॉर्क किंग जॉर्ज पंचम के दूसरे बेटे थे, और इसलिए उनके राजा बनने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन दोस्तों, ये सब 1936 में बदल गया जब उनके पिता के बड़े भाई किंग एडवर्ड अष्टम ने इस पद को स्वयं छोड़ दिया, क्योंकि वो अमेरिकी तलाकशुदा वॉलिस सिम्पसन से विवाह करना चाहते थे, जो कि इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख के रूप में उनको शोभा नहीं देता था। एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज अष्टम बने और वो राजगद्दी के उत्तराधिकारी बन गई। बचपन में भी राजकुमारी एलिजाबेथ के मजबूत चरित्र और जिम्मेदार रवैये की वजह से वाहवाही की जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अन्य बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए रेडियो प्रसारण किए और 18 वर्ष की आयु में विमेंस ऑक्सिलेटरी टेरिटोरियल सर्विस से जुड़ गई। दोस्तों, 1947 में राजकुमारी ने अपने माता पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहली शाही यात्रा की। उस समय राजकुमारी की उम्र महज 21 वर्ष थी और बहुत ही खूबसूरत भी दिखती थी। दोस्तों, राजकुमारी एलिजाबेथ पहली बार राजकुमार फिलिप से 1934 में तब मिली जब वो मात्र 18 वर्ष की थी। फिलिप एक ग्रीक राजकुमार थे जिनके परिवार को 1922 में तब जबरदस्ती देश से निकाल दिया गया था जब वो शिशु थे। साल 1939 में एक और मुलाकात के बाद, जब राजकुमारी एलिजाबेथ केवल 13 वर्ष की थी, तब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो फिलिप से प्रेम करती हैं। तो तब एक रॉयल सेना अधिकारी कैंडिडेट थे वो, और वो दोनों एक दूसरे को नियमित रूप से पत्र लिखने लगे। उनके प्यार का परवान उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी थी। उस समय हर जगह इनकी प्यार की बातें होती थी। दोस्तों, राजकुमार फिलिप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मेडिटेरेनियन के युद्ध क्षेत्र में सेवारत थे, लेकिन युद्ध के बाद राजकुमार और राजकुमारी ने वापस अपना मिलना जुलना शुरू कर दिया। 1947 में उनकी सगाई की घोषणा की गई और 20 नवंबर को वेस्टमिंस्टर एबी में उनका विवाह हुआ। उसी दिन राजकुमार फिलिप को एडिनबर्ग के ड्यूक की उपाधि दे दी गई। दोस्तों, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के लिए जुलूस की तैयारी उसी पल से शुरू हो गई थी जब फरवरी 1952 को राजगद्दी के उत्तराधिकारी वो बन गए। लेकिन उन्हें रानी का ताज 16 महीने बाद 2 जून 1953 को पहना गया। बेसब्री से इंतजार किए जा रहे दिन की शुरुआत में बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबी तक 1066 में हेराल्ड द्वितीय से अंग्रेज और ब्रिटिश राज्याभिषेक की स्थापना जुलूस से हुई। भारी बारिश के बावजूद हजारों उत्सुक दर्शक जुलूस देखने का मुख्य स्थान प्राप्त करने के लिए रात भर जुलूस के मार्ग पर डेरा डाले रहे। वेल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राज्याभिषेक वाले दिन ही नई रानी की जय जयकार करने के लिए सड़क पर लगभग 30 लाख लोग पंक्ति बनाए खड़े थे। पूरे दिन छिटपुट बारिश होती रही, लेकिन जुलूस के लिए मौसम ने भी स्वयं को रोक लिया। जुलूस की शुरुआत ब्रिगेड ऑफ गार्ड के साथ बैंड के समूह ने की। उसके बाद राष्ट्रमंडल देशों के सशस्त्र बलों के दस्ते आए। राज्य के प्रमुख और विदेश रॉयल्टी कोच में यात्रा कर रहे थे। उनके पीछे गोल्ड स्टेट कोच में स्वयं रानी थी। दोस्तों, उस दिन इतिहास की एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेनजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। चूंकि उनके पास ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए वे 15 मिनट से ज्यादा शिखर पर नहीं रह पाए, जिसकी ऊंचाई 29,029 फुट है। उनकी असाधारण उपलब्धि का समाचार राज्याभिषेक वाले दिन की सुबह ब्रिटेन पहुंचा। इस समाचार को तुरंत युवा रानी के राज्याभिषेक के उपहार के रूप में दे दिया गया, और जैसे ही यह समाचार लंदन की सड़क पर खड़ी भीड़ तक पहुंचा, इसने उन्हें खुशी मनाने का एक और कारण दे दिया। हिलेरी और अभियान के नेता कर्नल जॉन हंट को नई रानी द्वारा बाद में नाइट की उपाधि दे दी गई और नोर्गे को जॉर्ज मेडल दे दिया गया। ब्रिटिश राजतंत्र के पास 100 से अधिक कोच और घोड़ा गाड़ियां हैं। उनमें से सबसे प्रतिष्ठित गोल्ड स्टेट कोच है, जिसका उपयोग रानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के लिए किया गया था। कोच 1792 में लंदन में बनाया गया था और इसे 8 घोड़े खींचते हैं और इसका वजन 4 टन है। इस पर बड़ी मात्रा में सोने का पानी चढ़ा हुआ है और पेंट किए गए पैनल से सजाया गया है। हाल ही में शाही कोच में से सबसे ज्यादा दिखाई जाने वाला शाही कोच 1902 स्टेट लैंडो है, जिसका उपयोग विलियम और केट के विवाह तथा रानी की हीरक जयंती में 2012 में दोनों ने किया था। दोस्तों, राज्याभिषेक वेस्टमिंस्टर एबी, जहां 8,000 अतिथि प्रतीक्षा
मजाक कर रहे थे। उसमें रानी एलिजाबेथ के आगमन से एक धार्मिक समारोह की शुरुआत हुई जो उनके राज्याभिषेक से समाप्त हुआ। उन्होंने सफेद रेशम का परिधान पहना था जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के प्रतीकों की काशीदकारी की हुई थी और इन सबके ऊपर मखमल का रोब ऑफ स्टेट जो 5 मीटर लंबा था उसे संभालने के लिए 7 मेड ऑफ ऑनर ऑल्टर पर रानी ने राज्याभिषेक की शपथ ली जिसमें उन्होंने अपने राज्य में न्याय और कानून बनाए रखने तथा एंग्लिकन विश्वास की रक्षा करने का शपथ लिया। फिर समारोह के सबसे प्राचीन और पवित्र पल में रानी को राज्याभिषेक की गद्दी पर बैठा कर कैनबरी के आर्क बिशप ने पवित्र तेल से उनका अभिषेक किया। जैसे ही उनको शाही छड़ी और ओर तथा रोब और अंत में ताज मिला वहां खड़ी भीड़ गॉड सेव द क्वीन के नारे लगाने लगी। दोस्तों राज्याभिषेक समारोह के बाद रानी गोल्ड स्टेट कोच में वापस बकिंघम पैलेस चली गई। पैलेस की रेलिंग पर भारी भीड़ तुरंत इकट्ठा हो गई और हमें रानी चाहिए के नारे लगाने लगी। रानी जिनके साथ शाही परिवार था उन्होंने लोगों को उस दिन अपने दिए गए कई झरोखे दर्शनों में से पहला दर्शन उचित रीति से दिया। भीड़ ने उनका उत्साह पूर्वक जय जयकार करते हुए स्वागत किया। फिर वो 2 राज्याभिषेक दावतों में से पहला दावत के लिए अंदर गई जिसमें परिवार विदेशी शाही परिवार और वहां तक आए गणमान्य लोग शामिल थे। दूसरी दावत में कोरोनेशन चिकन पेश किया गया। इस अवसर के लिए क्रीम से भरी करी चटनी में ठंडा चिकन डालकर बनाया गया व्यंजन। शाम 5 बजे बकिंघम पैलेस का 150 से अधिक विमान द्वारा विमान परेड किया गया। रानी ने बालकनी से अंतिम दर्शन आधी रात को दिया। दोस्तों रानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक टेलीविजन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल बना। स्वयं समारोह पहले कभी भी इस तरह से फिल्माया नहीं गया और हालांकि प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के विचार में आवश्यक नहीं था लेकिन रानी मानती थी कि यह होना चाहिए था। 1952 में एक तिहाई से कम ब्रिटिश घरों में टेलीविजन सेट था लेकिन राज्याभिषेक देखने की मांग बहुत थी। उस दौरान बीबीसी ने कवरेज बढ़ाने के लिए दिन रात काम किया और टीवी सेट की बिक्री में तेजी से बढ़त हुई। उस दिन 11 घंटे के लाइव कवरेज को देखने के लिए लिविंग रूम सिनेमा और कॉन्सर्ट में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लाइव ब्लैक एंड व्हाइट में किया गया था हालांकि उसे रंगीन फिल्माया गया था। यूके में लगभग 2 करोड़ टीवी दर्शक थे। इससे यूके में टेलीविजन के मुख्य मनोरंजन का साधन होने की शुरुआत हुई। दोस्तों रानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक से एक अनूठे शासन की शुरुआत हुई जो ब्रिटिश इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे लंबा शासन है। उस समय उन्होंने विदेश और राष्ट्रमंडल राज्यों की अनगिनत यात्राएं की और इतिहास में सबसे अधिक यात्रा करने वाली राज्य प्रमुख बनी। उनके शासन में यूनाइटेड किंगडम और उसके बाहर की दुनिया में देखने योग्य और प्रभावशाली बदलाव हुए और ब्रिटिश साम्राज्य शक्ति के धीरे धीरे भंग होने में भी इसका असर था। शाही परिवार, उनके 4 बच्चों में से 3 का विवाह टूटना और 1997 में डायना, वेल्स की राजकुमारी के दुखद और अकाल मृत्यु सहित अपने दुख सब कुछ वो सह रही थी। फिर भी रानी दृढ़, सम्मानजनक और कर्तव्यनिष्ठ रही और राजकुमार फिलिप ने हमेशा उनका साथ दिया। उन्होंने स्वदेश और विदेश दोनों जगह अपनी जबरदस्त लोकप्रियता कायम रखी। 2012 में उनकी हीरक जयंती पर उन्हें बधाई देने वाले लोगों की तादाद ने इसका प्रमाण दिया। दोस्तों अब हम आपको क्वीन एलिजाबेथ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहे हैं जिसे शायद ही आपने कहीं पर सुना होगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब तक करीब 116 देशों की यात्रा कर चुकी हैं। इसमें से 96 दौरे आधिकारिक थे। इन दौरों पर वो अपने साथ 261 अधिकारियों को विदेशी दौरे पर ले जा चुकी हैं। ऐसे में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भले ही अब तक 116 देशों की यात्रा कर चुकी हों पर उनके पास अब तक अपना पासपोर्ट नहीं है। दोस्तों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 2 जन्मदिन हैं। एक उनका वास्तविक जन्मदिन 21 अप्रैल 1926 है लेकिन वो अपना जन्मदिन जून के महीने मनाती हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हर कॉमनवेल्थ कंट्री पारंपरिक तौर पर मई या जून में इसका जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाते हैं। दोस्तों एलिजाबेथ द्वितीय यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की भी महारानी है। हम आपको बता दें कि यूके में बहुत सारे बड़े बड़े और जरूरी कानून क्वीन एलिजाबेथ पर लागू नहीं होते। एलिजाबेथ द्वितीय के खिलाफ दुनिया के किसी भी कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना ही उनको कोई सजा सुना सकता है। वे चाहे तो बैंक लूट सकती हैं और किसी की हत्या भी कर सकती हैं फिर भी उनको सजा नहीं होगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को कोई भी कानून तोड़ने का अधिकार है। दोस्तों एलिजाबेथ चाहे जितने उतने नोट छाप सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बकिंघम पैलेस में उनके पास एक नोट छापने की प्राइवेट मशीन भी है। बकिंघम पैलेस में क्वीन एलिजाबेथ का अपना प्राइवेट एटीएम है जिसे वो जब चाहे उसे यूज कर सकती हैं। एलिजाबेथ के पास ना तो पासपोर्ट है और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस है पर वो दुनिया की कोई भी कार ड्राइव कर सकती हैं और पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती हैं। हालांकि क्वीन ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने जैसी छूट को छोड़कर और किसी छूट का लाभ नहीं उठाया। एलिजाबेथ को कोई टैक्स नहीं देना होता हालांकि क्वीन 1992 से स्वेच्छा से टैक्स दे रही हैं। दोस्तों एलिजाबेथ चाहे तो किसी भी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ सकती हैं। क्वीन ब्रिटेन के सभी हंसों की संरक्षक है। ब्रिटेन में हंस को मारना गैर कानूनी है लेकिन क्वीन उसका मांस खा सकती हैं। एलिजाबेथ ब्रिटेन की सारी डॉल्फिन और वेल्स की मालकिन है इसलिए उनके अलावा कोई और डॉल्फिन नहीं पाल सकता। ये विश्व में सबसे वृद्ध शासक और ब्रिटेन पर सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली रानी है। एक मैकेनिक, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर
दिसंबर 2022 को निधन हो गया। इंग्लैंड के लिए एक युग का अंत जैसा है। 96 साल की उम्र में 7 दशकों तक ब्रिटेन में राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हुआ उनका। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय शाही घराने में सबसे अधिक समय तक महारानी की पद पर बनी रही। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु का कारण लंबे समय तक बीमारियों से ग्रसित होना बताया जा रहा है। कि महारानी एलिजाबेथ को एपिसोडिक मोबिलिटी की बीमारी थी। इसके अलावा वो कोविड काल में कोरोना संक्रमित हो गई। उस दौरान उनकी हालत नाजुक होने के बाद से उन्हें स्कॉटलैंड के एक महल में रखा गया। महारानी बनने का लंबा सफर तय करने वाली एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में ऐसी बहुत सारी रोचक बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। उनका असली नाम अलेक्जेंड्रा मैरी था। अलेक्जेंड्रा मैरी राजघराने से ताल्लुक रखती थी। जन्म के समय उनके दादा जॉर्ज पंचम का राज था। अलेक्जेंड्रा मैरी के पिता ड्यूक ऑफ अर्क थे, जो बाद में जॉर्ज सिक्स के नाम से मशहूर हुए। अलेक्जेंड्रा मैरी की माँ का नाम एंजेला मार्गरेट था। रानी बनने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर महारानी एलिजाबेथ करवा लिया। बाद में जब उनकी बेटी अलेक्जेंड्रा मैरी रानी बनी तो वो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के नाम से मशहूर हुई। अलेक्जेंड्रा मैरी एक छोटी बहन थी जिनका नाम मार्गरेट था। एलिजाबेथ के पति का नाम फिलिप्स था। महारानी एलिजाबेथ के 4 बच्चे हैं, राजकुमार एंड्रयू, चार्ल्स, एने और एडवर्ड। एलिजाबेथ के परिवार में उनके बेटों समेत बहुएं और पोते पोतियां और पड़पोती भी हैं। प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी और प्रिंस जेम्स एलिजाबेथ द्वितीय के पोते हैं। एलिजाबेथ द्वितीय कभी स्कूल नहीं गई। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा महल में हासिल की। घर पर रहकर ही फ्रेंच और संविधान की शिक्षा हासिल की। बाद में महिलाओं की सहायक प्रादेशिक सेवा में सर्विस करते हुए एलिजाबेथ द्वितीय ने ड्राइवर और मैकेनिक की ट्रेनिंग ली। उन्होंने भारी वाहन जैसे ट्रक चलाना, इनकी सर्विसिंग करना आदि सीखा। उन्हें गाड़ी चलाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। बिना पासपोर्ट वो कई देशों की यात्रा कर चुकी है। एलिजाबेथ के जन्म के 10 साल के बाद 1936 में उनके चाचा महाराजा एडवर्ड 8 ने एक अमेरिकी सोशलाइट वैलिस सिम्पसन के साथ शादी करके अपने आप को राजगद्दी के दावेदारी से बाहर कर लिया। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। उनके पिता राजा बन गए। जब एलिजाबेथ 25 की थी तो 1952 में किंग जॉर्ज 6 के निधन के बाद उनकी बतौर महारानी ताजपोशी हुई। वो इंग्लैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा समेत कई अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्र की महारानी के पद पर बनी रही। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ के जीवनी और उनके जीवन में घटे घटनाओं के बारे में बताएं, साथ ही उनके अधिकार के बारे में बताएं जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आप केवल इस वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा मजा लें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ। 4 वर्षों के बाद उनकी छोटी बहन की राजकुमारी मार्गरेट का जन्म हुआ। उनके पिता ड्यूक ऑफ यॉर्क किंग जॉर्ज पंचम के दूसरे बेटे थे और इसलिए उनके राजा बनने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन दोस्तों, ये सब 1936 में बदल गया जब उनके पिता के बड़े भाई किंग एडवर्ड 8 ने इस पद को स्वयं छोड़ दिया, क्योंकि वो अमेरिकी तालाकशुदा वॉलेस सिम्पसन से विवाह करना चाहते थे, जो कि इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख के रूप में शोभा नहीं देता। एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज 6 बने और वो राजगद्दी के उत्तराधिकारी बन गई। बचपन में भी राजकुमारी एलिजाबेथ के मजबूत चरित्र और जिम्मेदार रवैये की वाहवाही होती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अन्य बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए रेडियो प्रसारण किए, धर्म संगठनों की सहायता की और 18 वर्ष की आयु में विमेंस एलेक्जेटरी टेरिटोरियल सर्विस से जुड़ी और ड्राइवर तथा मैकेनिक के रूप में प्रशिक्षित हुई। दोस्तों, 1947 में राजकुमारी ने अपने माता पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहली शाही यात्रा की। उस समय राजकुमारी की उम्र 21 साल की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों, राजकुमारी एलिजाबेथ पहली बार राजकुमार फिलिप से 1934 में तब मिली जब वो मात्र 18 वर्ष के थी। फिलिप एक ग्रीक राजकुमार थे जिनके परिवार को 1922 में तब जबरदस्ती देश से निकाल दिया गया जब वो शिशु थे। 1939 में एक और मुलाकात के बाद जब राजकुमारी एलिजाबेथ केवल 13 साल की थी, तब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो फिलिप से प्रेम करती हैं। तो तब एक रॉयल नौसेना अधिकारी कैडेट थे और वो दोनों एक दूसरे को नियमित रूप से पत्र लिखने लगे। उनके प्यार का परवान उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। उस समय हर जगह इनके ही प्यार की बातें होती थी। दोस्तों, राजकुमार फिलिप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मेडिटेरेनियन के युद्ध क्षेत्र में सेवारत थे, लेकिन युद्ध के बाद राजकुमार राजकुमारी ने वापस मिलना जुलना बंद कर दिया। 1947 में उनकी सगाई की घोषणा की गई। 20 नवंबर को वेस्टमिंस्टर में एबी में उनका विवाह हुआ। उसी दिन राजकुमारी फिलिप को एडिनबर्ग के ड्यूक की उपाधि दी गई। दोस्तों, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के लिए जुलूस की तैयारी उसी पल से शुरू हो गई जब फरवरी 1952 को राजगद्दी के उत्तराधिकारी वो बन गए। लेकिन उन्हें रानी का ताज 16 महीने के बाद 2 जून 1953 को पहना गया। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। दिन की शुरुआत बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबी तक 1066 में हेराल्ड द्वितीय से अंग्रेज और ब्रिटिश राज्याभिषेक का स्थान जुलूस से हुआ। भारी बारिश के बावजूद हजारों उत्सुक दर्शक जुलूस देखने का मुख्य स्थान प्राप्त करने के लिए रात भर जुलूस के मार्ग पर डेरा डाले रहे। दोस्तों, राज्याभिषेक वाले दिन ही नई रानी की जय जयकार करने लगे। सड़क पर 30 लाख लोग पंक्ति बनाए खड़े थे। पूरे दिन छिटपुट बारिश होती रही, लेकिन जुलूस के लिए मौसम ने भी स्वयं को रोक लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हम रोज ही आपके लिए इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।